पीआर भी आप पिछले 3.5 ईयर्स के ऑलमोस्ट 50 या 60 पी आर इतने लैके गए हैं जो भी इतने आया दे ऑल गॉट देयर परमानेंट रेजिडेंसी। वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही ऐसे इंसान से जिसने अपनी ज़िंदगी पंजाब से बाहर निकलकर दो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर शुरू की थी। पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे और बाद में कनाडा आए थे। आज आप उनकी पूरी कहानी सुनेंगे और आप सुनेंगे कि कैसे उन्होंने पूरी मेहनत करके आज कनाडा में अपने ही 3 टिम हॉर्टन्स खरीदे हैं और 3 टिम हॉर्टन्स में उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डोमेस्टिक लोगों के साथ साथ एम्प्लॉय किए हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि बिना कोई पैसा एक्स्ट्रा लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीआर पीएनपी प्रोवाइड करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको द मैन हिमसेल्फ कमलप्रीत उप्पल। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होने जा रही है। तो कमल जी, आप हमें ये बताइए, आप जब पंजाब छोड़ के गए, आप पहले कौन सी कंट्री गए, वहाँ क्या पढ़ाई ली थी, वहाँ क्या काम किया आपने और फिर कनाडा कैसे एंड अप हुए आप? हाँ जी, जब पंजाब छोड़ के 2005 दे विच ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया दे विच पहला बायोटेक्नोलॉजी की थी, फिर उस तो बाद ऑटोमोटिव का किया साल क, दैन परमानेंट रेजिडेंसी रूल्स चेंज, उस तो बाद असी मैं किया बिजनेस मैनेजमेंट का किया साल कोर्स, दैन आई डिन अपलाई फॉर अ पी आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो बाद मेरे सिस्टर्स इतने से कैनेडा के उन्होंने फैमिली स्पॉन्सर किया सू थ्रू मैनिटोबा नॉमिनी प्रोग्राम, फिर असी कैनेडा। तो जैसे कि व्यूअर्स को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, हिस्टोरिकली भी काफ़ी डिफिकल्ट हैं, तो उन्होंने वहाँ, कमल जी ने वहाँ पढ़ाई तो की लेकिन वहाँ पीआर नहीं अप्लाई की और अपनी फैमिली के साथ यहाँ डायरेक्ट पीआर कनाडा के लिए मूव हो गए। सबसे पहली जॉब आपकी टिम हॉर्टन्स थी कनाडा आकर? हाँ जी, 2009 में पहली जॉब टिम हॉर्टन्स से ही स्टार्ट किया। टिम हॉर्टन्स तो पहला मैं पहला ओवरनाइट स्टाफ एज ए काम किया, दैन बिकेम ए बेकर, फिर उस तो बाद बेकर के बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, दैन ओनर। सो दैट्स व्हाट माय जर्नी इन टिम हॉर्टन, बट इट टुक ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स टू बिकेम ओनर ऑफ टिम हॉर्टन, विच इज आई वुड से इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दैट आई टेक फॉर दिस। तो यहाँ आकर आपने कौन सी पढ़ाई चुनी, पढ़ाई कोई की या फिर आपने जॉन सी भी पढ़ाई की, उसका प्रोग्राम कौन सा था? कनाडा आके पहला पढ़ाई नहीं की थी, पहला आई वेंट फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस जिद ट्रक का, टैक्सी का एंड सिक्योरिटी का। उस तो बाद फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट की 2011 रियल स्टेट की, रियल्टर का स्टार्ट किया, दैन आई थॉट इट्स नॉट my cup of tea and stop that there but I continue my work in Tim Hortons. फिर उस तो बाद मैं दोबारा 2 साल बाद दोबारा रियल स्टेट भी किया, मैं लिया लाइसेंस वगैरह लिया, दैन फिर मैं कोशिश की 1 हफ्ता कि भी मैं कितना रियल स्टेट का देखो करके, पर मैं फिर भी वजिए लगे, मैं 1 हफ्ते बाद फिर छड़ता। फिर उस तो बाद मैं रेड रिवर कॉलेज तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स किया। फिर एट द एंड 2017 मैं सोचा कि मैं CPA की तैयारी करनी है, सो आई बिकेम अ सर्टिफाइड बुक कीपर एट दैट इन 2017 टू 2018 थ्रू ब्रैंडन कॉलेज, सिनेमन कॉलेज। एंड आपने अभी सुना कि 2009 में जब कनाडा आ गए सबसे पहले टिम हॉर्टन्स की जॉब की और साथ साथ में लाइसेंसेस भी लिए ट्रक के, टैक्सी के, सिक्योरिटी के, ताकि जब भी जॉब की जरूरत पड़े वो कर सकें, लेकिन टिम हॉर्टन्स की जॉब नहीं छोड़ी और साथ में आप पढ़ाई भी करते गए जो भी नॉलेज लेनी चाहिए, तो आप मुझे ये बताइए कि वो ब्रेक थ्रू पीरियड कब आया कि जब आपने सोचा कि अभी मुझे एक बिजनेस ओन करना चाहिए और आप फूड सर्विस इंडस्ट्री में ही क्यों गए, ऐसा पीरियड कब आया? मेरी फैमिली, बिकॉज माय फादर वाज अ बिजनेसमैन फ्रॉम इंडिया, ही स्टिल अ बिजनेस, ही स्टिल डज हिज बिजनेस, ते उन्ना तो ही आई थिंक इट वाज इन माय ब्लड कि मैं बिजनेस करना, बट आई नैवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं कि करना। फिर पहला मैं ट्रक का कोशिश की ट्रक लाइन के चला जावगा, बट
eventually it was there like starting to hi meri family karke hi main socha hoya si ki main business de vich hi jaana ये जर्नी आप देख रहे हैं कि कमल जी ने कोई भी ऐसा पाथ नहीं छोड़ा जिसको वो फॉलो कर सकते थे, चाहे वो ट्रक ड्राइविंग में हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में हो, वो सारी चीज़ें की जिससे भी उन्हें करियर में आगे जाने की मोटिवेशन या पाथ मिल सकता था। तो आपने पहला टिम हॉर्टन्स कब खरीदा, किस पीरियड में, कहाँ खरीदा? पहला टिम हॉर्टन 2018 ऑफर होया आपां नूं, सितंबर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਨੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਆਵਰਸ ਡਰਾਈਵ ਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਸਟੋਰਸ ਵਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਗਾਟ ਇਟ। ਬਟ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸੋਰੀ 21 ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਆ, ਨਾਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਿਆ। सो व्यूअर्स को मैं जिस परस्पेक्टिव दे दूं, किनोरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है ओंटारियो के, बहुत ही एक रिमोट टाउन है। किनोरा की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस वो 15,000 की है। फॉर जस्ट फॉर परस्पेक्टिव, जहां से मैं पढ़ा हुआ हूं शेरिडन कॉलेज, वहां ही 23,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं सिर्फ उसी कॉलेज में। तो इतनी कम पॉपुलेशन है इस शहर में। तो जब आपने दोनों टिम हॉर्टन्स खरीद लिए 2017 में, राइट? 18 में September. तो कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आई एज अ न्यू बिजनेस ओनर? नंबर वन प्रॉब्लम किनोरा दे विच ए सी कि एक तो कम्युनिटी विच आना सानू इच सेटल करना मैनू खुद नू भी डिफिकल्ट लग रहा है कि छोटा टाउन आ, पर वर्क रिलेटड सानू सब तो बड़ी प्रॉब्लम लेबर दी सी। तो लेबर बिकॉज मैं खुद मैनिटोबा च रहा, तो मैं मैनिटोबा दे थोड़े जे इमीग्रेशन दे रूल पता सी, पर मैनू ओंटारियो दा कुछ नहीं पता सी। सो ये लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कैसे की? लेबर वी स्टार्टेड, पहला तो ये कि मैं इमीग्रेशन दा थोड़ा प्रोग्राम कीता, उस प्रोग्राम तो मैंने नॉलेज हुई कि एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम या PNP या LMI ये कितना होंगे ने, वो चीज़ के हिसाब के नाल आई स्टार्टेड टारगेटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम GTA एरिया, स्पेशली फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा, आल्सो फ्रॉम थंडर बे, बिकॉज थंडर बे हैज़ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू। तो उतों फिर उन्होंने इंडीड के थ्रू असी एडवर्टीजमेंट की, तो उत्थे नंबर दिता होंगे वा, दैन वी इंटरव्यू दैम। सो व्यूअर्स को मैं बता दूं, आज की तारीख में कमल जी अपने जॉन से भी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, उनको PNP LMIA की अगर ज़रूरत हो तो उसमें भी पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं, पूरे प्रोवाइड उनको उस पाथ पे डाल देते हैं। जस्ट फॉर अ परस्पेक्टिव, अगर आपने GTA में किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आपने PNP या LMIA लगवानी हो, तो मेरे अपने ही कई दोस्त हैं जिनके 10-20-30,000 तक खर्चे गए हैं सिर्फ इन्हीं कामों में। लेकिन कमल जी यहाँ कोई स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते, और उसके अलावा उनको एयरपोर्ट से पिकअप करना हो विनीपैग से, या फिर उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करनी हो, कोई भी ऐसी ज़रूरत हो, एमरजेंसी हो, तो वहाँ खड़े रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास आज की तारीख में कितने टिम हॉर्टन्स हैं, कितने स्टूडेंट्स आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और कितनों को PR मिल चुकी है? अपने को 3 टिम हॉर्टन ने, 3 टिम हॉर्टन नॉर्थ वेस्ट रीजन के बीच ने, एक फोर्ट फ्रांसिस, 2 किनोरा के बीच, 3 टिम हॉर्टन के बीच अराउंड 40-50 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इतने मूव हुए ने वो काम कर रहे हैं अपने को। PR भी आप पिछले 3.5 years के ऑलमोस्ट 50-60 PR इतने लैके गए हैं, जो भी इतने आया दे ऑल गॉट देयर परमानेंट रेजिडेंसी। तो आप ये बताइए कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आप बच्चों से कोई पैसा नहीं लेंगे और उनको फ्री की सर्विसेज, ये जो है PR पे डालने वाली, वो प्रोवाइड करेंगे, ये आपने डिसीजन क्यों लिया? मेन रीजन कुड बी बिकॉज मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हाँ आस्ट्रेलिया के, तो मैं खुद को पता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना स्पॉइल्ड होंगे ने, तो उन्होंने बचाने के लिए तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं अगली बारी कमल जी का इंटरव्यू जरूर लूंगा। कीड़ी गल रह गई अपनी, क्यों हेल्प कर रहे हैं? हाँ, क्यों हेल्प कर रहे हैं? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रहे हैं, तो इसलिए हेल्प कर रहे हैं। जो ये व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, जो इंडिया हैं या किसी भी प्रोविंस में है, कैनेडा में भी है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे
एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी जो जर्नी रही है या आपने दूसरों की देखी है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? तो आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ कि वही करना जो ताडा दिल कह रहा वा, जो तुम वो कर लगे हो। अज जो टिम हॉर्टन्स नहीं मेरे को, आई डोंट लाइक देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट दैन टिम हॉर्टन्स टू मी। उन्होंने मैनु इस मेरे काम के नालों मैनु उस तो ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं हैगी है ना। सम टाइम आई ईवन पुट माई फैमिली बिहाइंड कि भी मैं कम के उत्ते हैंडल करना। मैं ट्रक भी चला सकता सी, मैं रियलटर भी बन सकता सी, मैं CPA भी बन रहा सी, चलो बट वो सारिया चीज़ा सेकेंडरी हो जाती ने जो किसी चीज़ ना तो इन्ना प्यार हो। कुछ भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने वो जॉब चुनी जो उनको पसंद थी, और वो थी एक फूड सर्विस इंडस्ट्री में जाना। और आज 3 टिम हॉर्टन्स और आगे आने वाले टाइम में शायद और भी खरीदेंगे। तो आई होप गाइस आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी इनकी लाइफ को देख के, इनकी जर्नी को देख के। आप ऐसे ही वीडियोस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी अच्छी होने वाली है। थैंक यू कमल जी, एंड थैंक यू गाइस, एंड हैव अ गुड डे।